आदरणीय गुरुजन और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं नहरा। मैं आज यहाँ पर हिंदी दिवस के बारे में बताने जा रही हूँ। हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी सर्वनामिक रूप से फार्द की राजभाषा भी है। 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। तब से यह दिन हिंदी दिवस के तौर पर मनाए जाते हैं। यह दिन पूरे उत्साह के साथ फारे वर्ष में मनाए जाते हैं। हिंदी दिवस के दौरान कई कार्यक्रम भी होती है। हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा भी नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों की पहचान भी है। हमें गर्व होना चाहिए हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी पर। और मेरे अध्यापकों को और मेरे प्यारे मित्रों को मेरा हिंदी दिवस शुभकामना। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद इबिन। मैं आज यहाँ पर हिंदी दिवस के बारे में बताने जा रहा हूँ। हिंदी दिवस भारत में हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा ओम से एक है। विश्व की प्राचीन समृद्ध और सरल भाषा होने के साथ साथ हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है। हम आपको बता देते हैं कि हिंदी विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। राष्ट्रभाषा किसी देश की पहचान और गर्व होते हैं। और मेरे प्यारे अध्यापकों को और मेरे दोस्तों को हिंदी दिवस शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, आज हिंदी दिवस है। जन्मे में हिंदी, मन में हिंदी, हिंदी हो और ग्राम में हिंदी का उपयोग करें हम अपने कर एक काम में। एक सुर है, एक ताल है, एक हमारी सार है। सारी भाषाएं प्यारी है। धन्यवाद। वाणी है और गीता का ज्ञान। चारों वेदों के पत्रों में
शुभकामनाएं। नमस्कार, मेरे आदरणीय गुरुजनों और साथियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र की शास्त्र की भाषा। देवनागरी।
मेरा नाम शिवा सनील है। मैं आज एक कहानी प्रस्तुत करना जा रहा हूँ। उसका शीर्षक है कौवा और लोमड़ी। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। एक लोमड़ी आया, कौवे का रोटी छीन लेना सोचा। लोमड़ी बोली, कौवे भाई तुम अच्छे से गाना गाते हो, मुझे भी एक गाना सुनाओ। कौवे गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी नीचे गिर गई। लोमड़ी रोटी लेकर चली गई। धन्यवाद। नमस्ते, लालजी दूध वाला। एक छोटे से गांव में एक दूध वाला रहता था। वो बहुत ही लालची था। वो हर रोज नदी पार करके शहर में अपने घर को दूध बेचता था। शहर जाते समय वो नदी का पानी अपनी दूध में मिलाकर अपने घर को पीसता था और बहुत सारे पैसे कमाता था। देखते ही देखते वो अमीर आदमी बन गया। एक दिन अपनी बेटी की शादी करने के लिए उस सारे घर को पास पैसे लेने गया। सारे पैसे इकट्ठा हो जाने के बाद उन पैसे से उसने नए कपड़े और नए गहने खरीदे। शहर से लौट के समय उसकी नाव एक पत्थर से टकरा गई और पलट हो गई। उसने देखा क्यों उसके सारे नए कपड़े और गहने पानी में डूब गए। ये देख के बहुत उदास हुआ और रोने लगा। तो बच्चन को पानी में एक आवाज आई, रहते क्यों हो, जो भी तुमने गवाया है वो बेमानी से ही तो कमाया था। ये सुनकर दूध वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। इस कहानी से हम एक सीख मिलती है कि लालच बुरी बात है। नमस्ते, मेरा नाम नक्षत्रा साजू है। मेरी कहानी का नाम है बंदर और मगरमच्छ। नदी के किनारे जामुन का पेड़ था। पेड़ पर एक बंदर है दादा। उसकी दोस्ती नदी में रहने वाले एक मगरमच्छ से हो गई। मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर बंदर नदी की सैर करता। बंदर बदले में मगरमच्छ को जामुन खिलाता और उसकी पत्नी के लिए फिर जामुन भेजता। जामुन खाकर मगरमच्छ की पत्नी की इच्छा बंदर का कलेजा खाने की हुई। उसने मगरमच्छ को कहकर बंदर को अपने घर बुलवाया। कर जाते समय मगरमच्छ ने बंदर को सच बता दिया कि उसकी पत्नी बंदर का कलेजा खाना जाती है। यह सुनकर बंदर मगरमच्छ को चार समझ गया और उसने माँ से कहा, फैया मैं तो अपने बंदर का कलेजा पेट पर ही छोड़ आया हूँ, इसलिए जल्दी से मुझे पेट पर ले चलो। बंदर की बात सुनकर मगरमच्छ पेट की तरफ उठ गया और जैसे ही मगरमच्छ पेट के पास पहुंचा, बंदर उछलकर पेट पर चढ़ गया और उसकी जान बच गई। नमस्ते जी, मेरा नाम मोहम्मद फैबी। मेरा कविता का नाम हाथी राजा। हाथी राजा, ओ हाथी राजा, मस्त मिलन से, ओ हाथी राजा। हाथी राजा कहाँ चले, सोने हिलाकर कहाँ चले। हाथी राजा कहाँ चले, सोने हिलाकर कहाँ चले। मेरे घर में आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना। मेरे घर में आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना। आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी फूली चढ़ पड़ा।
धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम रिफारी से है। आज मैं यहाँ बताना वाली हूँ हिंदी दिवस मनाने। हिंदी में बात है क्योंकि हिंदी में जज्बात है। चलो मिलकर मुहिम चलाएं, आज ही से हिंदी अपनाएं। अंग्रेजी काली आशा है, हिंदी तो हमारा राष्ट्रभाषा है। धन्यवाद। नमस्ते, आज 14 सितंबर आज हिंदी दिवस है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी का सम्मान देश का सम्मान। हमारी स्वतंत्र कहा है राष्ट्रभाषा जहां है। यह मेरी स्वरों की प्रस्तुति है। धन्यवाद।